अगर आप थोड़ा सा भी ऑनलाइन एक्टिव रहते हो तो आपने ये डिबेट ज़रूर सुनी होगी, कौन सा स्टेट सबसे अच्छा है, कौन सा स्टेट सबसे बेकार है। मगर प्रॉब्लम यह है कि सारी डिबेट में कोई हार्ड डेटा नहीं रहता, और ऐसा डेटा तो बिल्कुल नहीं रहता जो कि एक ही सोर्स से निकला हो। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंपेयर करते हुए हमारे देश के सारे स्टेट्स को नंबर दिए हैं, और इस रिपोर्ट कार्ड में पता चला है कि कौन सा स्टेट सबसे अच्छा कर रहा है इन गोल्स के लिए और कौन सा स्टेट सबसे बेकार कर रहा है। आज इसी रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 ऐसे गोल तैयार करे थे जिनको शॉर्ट में आप SDG कहते हैं, और हर एक गोल के आगे एक नंबर दिया रहता है। ये गोल कुछ इस तरह से हैं कि एजुकेशन बढ़ानी है, हेल्थ केयर इंप्रूव करना है, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इंप्रूविंग लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर, बेटर इंस्टीट्यूशंस, और भी बहुत सारे। इन टोटल 17 गोल्स के ऊपर ही नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाया है। अब नीति आयोग क्या है? 2015 में ही नीति आयोग भी बना था। इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दरअसल पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है। ये लोग बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, और इसे एक रिसोर्सेज का हब समझ सकते हैं जहां पूरे देश के बारे में तमाम सारी रिपोर्ट और रिसर्च आपको मिल सकती है। इससे पहले रिपोर्ट की फाइंडिंग देखें, हम जानते हैं कि रिपोर्ट बनी कैसे है। देखो, सबसे पहले इन्होंने रॉ डेटा कलेक्ट करा, फिर इन्होंने 2030 के लिए सारे गोल्स का टारगेट सेट कर दिया, और फिर रॉ डेटा को रीस्केल करा 0 से 100 के बीच में। उसके बाद इन्होंने गोल स्कोर निकालने के लिए इस डेटा को नॉर्मलाइज करा, और इसके बाद कॉम्पोजिट स्कोर निकालने के लिए सारे नॉर्मलाइज गोल स्कोर का एवरेज ले लिया, और ऐसे करके इन्होंने हर एक स्टेट को हर एक गोल के आगे 0 से 100 तक के नंबर दिए हैं। आप इनका स्टेट वाइज रिजल्ट देखो तो इन्होंने स्कोर साथ में दिया है, मगर यूनियन टेरिटरीज को स्टेट से अलग चार्ट में दिखाया, क्योंकि उनको कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो ऐसे अगर आप देखें तो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं वो हैं केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा, और सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, असम, यूपी और राजस्थान। और अगर ओवरऑल आप पूरी कंट्री का स्कोर देखें तो 66 है, जहां पर सबसे अच्छा स्कोर 75 और सबसे बुरा स्कोर 52 है। अगर आप जानना चाहते हो कि स्टेट्स को अलग अलग गोल्स में कितना नंबर मिला है, तो उसके लिए 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पर हर एक स्टेट को हर एक गोल के आगे कलर कोडिंग भी की गई है। कलर कोडिंग का मतलब है कि 0 से 49 स्कोर में आप एस्पिरेंट हैं, 50 से 64 में आप परफॉर्मर हैं, 65 से 99 में आप फ्रंट रनर हैं, और 100 में आप अचीवर हैं। 100 स्कोर तो बहुत ही कम गोल्स के आगे लिखा है, ज्यादातर आपको एस्पिरेंट, परफॉर्मर और फ्रंट रनर ही दिखेंगे। हर एक इंडिविजुअल गोल के अंदर किस स्टेट ने टॉप मारा है, इसका भी एक इन्फोग्राफिक है, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरे देश का स्कोर देखें तो मिला जुलाकर 66 नंबर आते हैं 100 में, यानी कि मुश्किल से हम फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिकेटर में आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। हमारे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडिकेटर में आता है रिड्यूसिंग हंगर एंड जेंडर इनइक्वालिटी। बाकी जितने भी गोल्स हैं उनके नंबर इन्हीं दोनों पैरामीटर्स के बीच में है। स्क्रीन पॉज करके आप उनके नंबर पूरे देश में कितने हैं देख सकते हैं। अब हम इस पूरी एनालिसिस में और थोड़ा डीप जाएंगे और अच्छे से समझेंगे, मगर उससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे दिखा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोग न्यूज़ में अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बहुत कम बात करते हैं, बट आगे आप देखोगे कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने लगभग हर पैरामीटर में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, मगर सबसे बढ़िया परफॉर्म करा है मिजोरम ने। अगर पिछले साल से इस साल का इंप्रूवमेंट देखें पूरे देश में सारे स्टेट्स में, तो मिजोरम ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक चीज़ अभी तक आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर बहुत सारे चार्ट, फिगर्स और डेटा है। मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा होगा, बट इसे पढ़ने में तो और मुश्किल आती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सुनने से सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम आप कर सकते हैं, और इसी से जुड़ी हुई एक गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं Kuku FM। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको तमाम सारी ऑडियो बुक्स, ऑडियो शोज, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपको बायोग्राफीज, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, तो आपके लिए भी आसान है। आप कुछ काम कर रहे हो, चलते फिरते, तब भी सुन सकते हैं। यहाँ पर 4,500 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और ऑडियो शोज वगैरह हैं, और इसकी कॉस्ट बहुत सस्ती है। अब चूंकि आप हमारा चैनल देखते हैं तो आपके लिए तो और सस्ती कर देते हैं। कूपन कोड ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप ये यूज करेंगे और उस लिंक में जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये आपके लिए इतना सस्ता हो जाएगा कि पूरे साल की सर्विस आपको मिल जाएगी, और उसकी कॉस्ट डेली की 1 रुपए से भी कम आएगी।
तो सोच क्या रहे हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, क्लिक करिए, अभी जाइए वहाँ पर टेस्ट करिए। बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी हैं, उन्हें ट्राई करिए, अच्छी लगे तो आप पेड सर्विस ले लीजिएगा, बहुत सस्ती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। अब वापस आते हैं अपने वीडियो में। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन से 5 वो गोल्स हैं जिन पर हम और थोड़ा फोकस करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टेट वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं और कौन से स्टेट वहाँ पर फिसड्डी रह गए। सबसे पहला गोल है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। कहा जाता है कि दिन के $1.25 यानी कि लगभग ₹90 कमाने वाला इंसान गरीब नहीं है, मगर फिर भी हमारे देश में इससे नीचे भी तमाम सारे लोग रहते हैं। टारगेट है कि 2030 तक आधे लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया जाए, मगर दुख की बात यह है कि पैंडेमिक ने गरीबों की संख्या को और बढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ पर कुछ स्टैट्स और अचीवमेंट हैं अभी तक इससे जुड़े हुए। इसमें बेस्ट स्टेट्स रहे ये और वर्स्ट स्टेट्स रहे ये। अब चलते हैं अपने दूसरे गोल की तरफ, यह है हंगर। हंगर और मेल न्यूट्रिशन हमारे बच्चों में पनपते एक बहुत बड़ी समस्या है। टारगेट है कि 2030 तक हम सारी तरह की हंगर को ख़त्म कर देंगे और 2025 तक इंटरनेशनली जो अग्रीड स्टैंडर्ड है एटलीस्ट चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के, उसको हम मीट कर लेंगे। हंगर से जुड़े हुए कुछ अचीवमेंट और अभी तक के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनका नाम ये रहा। थर्ड गोल है हेल्थ केयर। गुड हेल्थ और वेल बीइंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको जल्दी नापा तोला नहीं जा सकता, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि 2030 तक जो मैटर्निटी में डेथ होती है उसका रेशियो हम 1 लाख में से 70 तक ले आएंगे और 5 साल तक के बच्चों में जो प्रिवेंटेबल डेथ है उनको हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे 2030 तक। और इसके साथ ही एड्स, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों का एपिडेमिक बनना हम पूरी तरह से रोक देंगे। हेल्थ केयर और वेलबींग से जुड़े हुए कुछ अचीवमेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इससे जुड़े हुए जो टॉप स्टेट्स हैं और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। अगला है एजुकेशन। 2030 तक ये कहा जा रहा है कि सारे बच्चों और बच्चियों को फ्री, इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हर एक बच्चे को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज भी करवाए जाने चाहिए और ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है एजुकेशन के सेक्टर में वो पूरी तरह से ख़त्म हो। एजुकेशन से जुड़े हुए भारत में जो स्टैट्स और अचीवमेंट हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे और यहाँ पर रहे टॉप और सबसे बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट्स एजुकेशन के मामले में। अगला है क्लीन वाटर। 2030 तक का टारगेट है कि यूनिवर्सल इक्विटेबल एक्सेस हो सबको सेफ और अफोर्डेबल वाटर का। इसके साथ साथ एडिक्वेट और इक्विटेबल सैनिटाइजेशन की जो सुविधा है वो भी सबको मिलनी चाहिए। वाटर और सैनिटाइजेशन की फील्ड में अभी तक भारत ने क्या करा उसके स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर रहे और इसमें जो टॉप और बॉटम स्टेट्स हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका अभी तक आपको इंतजार था, हमारे टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। ये स्टेट्स हैं केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा। यहाँ पर आप मोटा माटी देखें तो सारे स्टेट्स का नंबर पिछले साल से 5 अंक का इजाफा हुआ है, तमिलनाडु में 7 नंबर बढ़े हैं और इनका अगर आप ओवरऑल स्कोर भी देखें तो जो नेशनल एवरेज है उससे ठीक ठाक अमाउंट में ज़्यादा है। अगर आप इसमें बेस्ट गोल्स देखें जहां पर इन स्टेट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा तो आपको मोटा माटी सभी स्टेट्स में क्लीन एनर्जी और क्लीन वाटर का गोल मिलेगा। हाँ, लेकिन जो जिस गोल में ये पिछड़ गए स्टेट या जहां पर इन्होंने बुरा परफॉर्म करा वो थोड़ा वेरी करता है, बट अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो टाई करता है टू दी नेचुरल कंडीशन ऑफ द स्टेट। जैसे कि गोवा में जिस गोल में वो सबसे बुरा परफॉर्म करता है वो है कि कंजम्पशन अच्छे से कंजम्पशन करना रिस्पॉन्सिबली और क्लाइमेट कंट्रोल, और हिमाचल प्रदेश बुरा परफॉर्म करता है इंडस्ट्री या इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होने में और हंगर को रोकने में। अब चलते हैं उन स्टेट्स की तरफ जो कि बॉटम 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स यानी कि सबसे बेकार जिन्होंने परफॉर्म करा। ये स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, असम, यूपी और राजस्थान, और इनका भी अगर आप ओवरऑल स्कोर देखेंगे तो कंट्री के एवरेज से ठीक ठाक अमाउंट में नीचे दिखाई देता है और इसीलिए बॉटम 5 परफॉर्मिंग स्टेट हैं। किन गोल्स में इन स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है अगर आप वो देखें तो आप पाएंगे वो सेम है जहां पर टॉप स्टेट्स ने करा था, यानी कि क्लीन वाटर और क्लीन एनर्जी। मगर जिन गोल्स में ये स्टेट सबसे बुरा परफॉर्म करते हैं वो आपको लार्जली दिखेगा कि इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनइक्वालिटी को कम करने में और क्लाइमेट एक्शन लेने में। तो ये थी दोस्तों इस इतनी भारी भरकम रिपोर्ट की एक समरी। आप कोशिश करें कि आप अपने एंड पर भी जाकर इसे पढ़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप कुकू FM को ज़रूर चेकआउट करें, उनको थोड़ा सा प्यार दिखाएं हमारी तरफ से, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा और वहां पर जाकर चेक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ करें, आपको स्क्रीन पर वो दिख रहा होगा। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली हमें फीडबैक और सजेशन देना चाहते हैं तो पेट्रियन पर आएं, patreon.com/unopenletter।
आपसे वहां पर मुलाकात होगी, और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।